Bansi Vibhu Shitkara Navani Radha Bhala Dharushtha Purnendu Sundara Mukha Darabindane Krishna param kimapi tattvamaham na jane utthullata pichamano ramashri Mātu stananyasta mukhār binda Ucchālayan pādasaro ruhāgram Krishna Kada Asyati Dripatham Nama Kamalana Nama Kamalamaline Nama Kamalapadaya Namaste Kamalekshana Yo Brahmanam Vidadhati Purvam Yo Vai Vedamsya Prahinoti Tasmai Tagvanha Deva Bhatma Buddhi Prakasam Mumukshur Vai Saranamaham Prapadde Bhagavat Charan Chancharik Mahanubhav Niyamanusar Thodi Deir Harinam Sankirtan Kar Lijiye Pashchat Vishay Prarambho Hoga Bhajgiri Dhar Govind Thank you.
अब आप लोग सावधान हो जाएं। एक तो मैं 86 वर्ष का हूं, दूसरे मेरा गला बहुत गड़बड़ है, फिर भी आप लोग यह आशा करते हैं कि आज भी प्रवचन होगा, इसलिए मैं आ गया हूं। अब तक मैंने आप लोगों को ये बताया कि विश्व का प्रत्येक जीव दुखी है, अशांत है, अतृप्त है, अपूर्ण है, अज्ञानी है, और इसके विपरीत वो आनंद चाहता है, ज्ञान चाहता है, शांति चाहता है। आप लोग प्रायः कहते हैं कि संसार में दुख है और भगवान में सुख है, ऐसा नहीं है। संसार में दुख नहीं है, संसार भगवान ने बनाया है ना, हाँ? तो भगवान ऐसी चीज थोड़े बनाएंगे जिससे उनके बच्चों को दुख मिले। भगवान ने तो कृपा करके संसार इसलिए बनाया है कि हमारा शरीर इस संसार के सामान से, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये तमाम विटामिन, प्रोटीन, जिसे आज की भाषा में आप लोग कहते हैं, इसके द्वारा ठीक ठीक पल सके, ठीक ठीक चल सके, ताकि आप स्पिरिचुअल भगवत साधना कर सकें और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। वेद कहता है अज्ञस्य दुःखौघमयम् ज्ञस्यानन्दमयम् जगत्, वराहोपनिषद् दूसरे अध्याय का 22वां मंत्र। अगर संसार में दुख होता तो महापुरुषों को भी मिलता, संत महात्माओं को भी मिलता, लेकिन उनको तो कोई दुख नहीं मिलता, इस संसार में रहते हैं, सदानंद में रहते हैं। वेद तो स्पष्ट कहता है यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा ये हृदयश्रिता अथ मर्त्यो मृतो भवत्यत्र ब्रह्म समश्नुते। अगर आपकी सब कामनाएं चली जाएं, तो इसी संसार में आप आनंदमय हो जाएं।
सात्यायनी उपनिषद का 25वां मंत्र बृहदारण्यकोपनिषद का 4-4-7 गीता भी यही कहती है विहाय कामान जस्तर्वान पुमांश्चरति निष्प्रिया निर्ममो निरहंकारः सशांतिमधिगच्छति। कामनाएं छोड़ दीजिए, शांति मिल जाए सदा को। भागवत भी यही कहती है विमुंचति यदा कामान मानवो मनस स्थितान तर्हेव पुंडरीकाक्ष भगवत्वाय कल्पते। सातवें स्कंद के 10वें अध्याय का 9वां श्लोक और गीता का 2 अध्याय का 71वां श्लोक। ये सब शास्त्र वेद कहते हैं कि ये कामना के कारण आप सबको दुख मिल रहा है। संसार में दुख नहीं है क्योंकि ज्ञस्य आनंदमयम जगत, जो ज्ञ है ज्ञानी है उसको आनंदमय है संसार। अरे गोपियों का क्या हाल था, जित देखो तित श्याम मई है और कुछ दिखाई नहीं पड़ता था। ऐसे ही सर्वं खल विदम ब्रह्म, निराकार ब्रह्मा उपासक ब्रह्मोपासकों को सर्वत्र मैं की फीलिंग होती है और कुछ नहीं। भक्तों को सीय राम मैं सब जग जानी, उमाज राम चरण रत विगत काम मद क्रोध, निज प्रभु मय देखहिं जगत वासुदेव सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभा। पुरुष हे वेदग्वम सर्वम यद्भूतम यच्च भाव्यम, वेद कह रहा है श्वेताश्वतरोपनिषद 3:15, सर्वम पुरुष एवेदम भूतम भव्यम भवच्च यत्। भागवत भी कह रही है 2:6-15। तो संसार में दुख नहीं है, दुख हमारे अज्ञान के कारण हमको मिल रहा है। हमारे भाई तुलसी सूर मीरा कबीर नानक तुकाराम शंकराचार्य वल्लभाचार्य को कोई दुख नहीं मिला इसी संसार में। हमने अपने आप को शरीर मान लिया इसलिए संसार में अटैचमेंट कर लिया। बुद्धि में ये डिसीजन आ गया यहां सुख है इसलिए अटैचमेंट हो गया, इसलिए राग हुआ फिर द्वेष हुआ दुखों का भंडार आ गया। कामना बनी संसार की, कामना की पूर्ति हुई लोभ आया फिर दुख, कामना नहीं पूरी हुई क्रोध आया फिर दुख। तो ये अज्ञान प्रमुख कारण है, अज्ञान मेवास्य ही मूल कारणम, इसलिए ज्ञान की आवश्यकता है। वो कौन सा ज्ञान है, तदर्थ आप लोगों को बताया गया ब्रह्म जीव माया का ज्ञान आवश्यक है। ब्रह्म के विषय में भी विस्तार पूर्वक आप लोगों को बताया गया कि ब्रह्म के 3 स्वरूप हैं, एक सगुण साकार भगवान श्री कृष्ण स्वयं भगवान है, उनमें सब शक्तियां प्रकट होती हैं,
उसके बाद नंबर दो परमात्मा का है, जिनमें काफी शक्तियां प्रकट होती हैं, केवल लीला परिकर नहीं है। और तीसरा स्वरूप है श्री कृष्ण का, ब्रह्म का, निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्म का। इसमें केवल दो शक्तियां प्रकट होती हैं, अपनी सत्ता की रक्षा के लिए और स्वरूपानंद के लिए, और कोई शक्ति प्रकट नहीं होती। और बिना स्वरूप शक्ति की कृपा के न माया जाएगी और न भगवत प्राप्ति होगी, ब्रह्मानंद भी नहीं मिल सकता, ब्रह्म ज्ञान भी नहीं हो सकता। इसलिए ज्ञानी को भी सगुण साकार भगवान की शरणागति अपेक्षित है, उसके बिना कृपा प्राप्त नहीं होगी, और कृपा के बिना माया निवृत्ति या ब्रह्म ज्ञान जिससे उसको कैवल्य मोक्ष मिलना है, ये असंभव है। तो वो ब्रह्म दो विरोधी धर्मों का अधिष्ठान है, वे श्री कृष्ण दो विरोधी धर्मों के अधिष्ठान है। वही ईश्वरे ब्रह्मणि नो विरुध्यते, निराकार भी है, साकार भी है, निर्गुण भी है, सगुण भी है, सविशेष भी है, निर्विशेष भी है, वो सृष्टिकर्ता भी है, कृपा कर्ता भी है, अकर्ता भी है, सबके भीतर भी है, बाहर भी सर्वव्यापक है, गोलोक में भी है, वो चलते भी हैं, नहीं भी चलते हैं, वो अणु से अणु है, सूक्ष्म से सूक्ष्म है, और महान से महान है। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, सर्वद्रष्टा, सर्वनियंता, सर्वसाक्षी, सर्वसुहृत, सर्वेश्वर, सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण है। उनका शरीर दिव्य है, चिन्मय है, स्वयं सच्चिदानंद ब्रह्म रूप शरीर है। और वे सदा जीव के हितैषी हैं, और जीव के माता पिता भ्राता सखा सब कुछ हैं, सदा जीव के साथ रहते हैं, और जीव को अपनी चेतना शक्ति भी देते रहते हैं। पूर्व जन्म में अगर हमने हाई स्कूल की नॉलेज प्राप्त की है भगवत विषय में, तो वो अपने आप दे देते हैं, फिर इंटर की पढ़ाई हमको करनी पड़ती है। अगर वो हमको पूर्व जन्म के कर्म का फल न दे, तो हमेशा हम ABCD ही पढ़ते रह जाएं, क्योंकि हम तो जानते नहीं पूर्व जन्म में हमने क्या किया है, और कर्म जड़ है, वो अपने आप तो फल नहीं बन जाएंगे, उसको जानने वाला, हिसाब रखने वाला, फल देने वाला कोई होना चाहिए। तो इस प्रकार भगवान का सबसे बड़ा गुण है करुणामय, अत्यंत रोम रोम में उनके दया भरी है। सोचिए आप लोग, कोई बाप ऐसा है कि बेटा उसके सामने हजारों गालियां दे, हजारों अपमान करे, बाप के खिलाफ चिल्ला चिल्ला के बोले, और फिर भी बाप अपने घर में टिका कर खाना दे, कपड़ा दे, सब सामान दे, अपने घर में रखे? विश्व में ऐसा कोई बाप हो सकता है? अरे जरा सी विरोध की बात होती है तो गोली मार देता है बाप बेटे को, घर से निकाल देता है, प्रॉपर्टी से अलग कर देता है उसको। लेकिन एक नास्तिक भगवान को गाली देता है, लेकिन भगवान वही पृथ्वी उसको भी देते हैं जो महापुरुष को,
तुम भी पानी पियो हमारी नदी का, हमारे कुएं का, महापुरुष भी उसी का पिए, वरना भगवान को करना क्या चाहिए था? ये नास्तिक बदमाश हमको गाली देता है, पानी पी और मर जाएगा तुरंत। अरे तो भगवान की ही तो सारी शक्तियां हैं। हाँ, ऐसा नहीं करता। तो ऐसी कोई पर्सनैलिटी है भगवान श्री कृष्ण? बरसाने वाली प्यारी 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 मेरी बरसाने वाली प्यारी 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 मेरी बरसाने वाली प्यारी 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 मेरी